भारतीय सेना सर्वधर्म संभाव की अपनी परंपराओं को जारी रखते हुए सभी धर्मों के प्रति एकजुटता ने सफलता पूर्वक हज पूरा करने पर हाजियों का वापस स्वागत किया। कंगन आर्मी कैंप ने बुसान कंगन में हज यात्रियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत का आयोजन किया। बातचीत का उद्देश्य सेना और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले वफादार लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। हज सीजन के पवित्र माहौल के बीच वर्दीधारी पुरुष और हज यात्री क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम में हज यात्रियों ने तीर्थ यात्रा के दौरान अपने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा किया, जिसमें एकता और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के महत्व पर जोर दिया गया। हाजियों के उनके विश्वास के प्रति अटूट समर्पण के लिए सराहना की गई और दूसरी ओर हाजियों ने राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में सेना के समर्पण और अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ समर्पण की सराहना की। सेना और हज यात्रियों के बीच अनौपचारिक बातचीत न केवल घाटी के भीतर सामाजिक एकजुटता और एकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है, जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और उसे संजोया जाता है। और जो ही मुझे मुकद्दस मुकामात पर जाने के लिए कुरान अंदाजी हुई, मुझे जो अंदाजा नहीं था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरान अंदाजी में मेरा नाम निकला। और ये एक हर एक मुसलमान पर जिसको ताकत होगा कि वो हज का फरीज़ा अंजाम दे, एक दफ़ा का फरीज़ा, अगर बार बार भी उसकी तौफीक हो अल्लाह ताला किसी को इस मुकद्दस मुकाम पे पहुँचाए। हम गवर्नमेंट ने जितने भी इंतज़ाम किए, लोकल गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने या अरब के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे, तो हम उसमें बड़े मुतमिन और अच्छी तरीके से हमने काबा शरीफ का ज़ियारत किया, तवाफ़ किया और जो भी अहकाम हज के थे वो हमने अच्छी तरीके से किए। तो अल्लाह ताला से हमने यही दुआ की हमारे जो भी गुनाह हैं वो माफ़ करे और जितने भी बाकी लोग हैं उनके भी, जो हमारे पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, अगर दोस्त दुश्मन भी हैं उनकी भी अल्लाह ताला असल हिदायत करे और उनको भी उस मुकद्दस जगह पर पहुँचाए। और मेरी यही दुआ है कि हर एक मुसलमान को उस जगह की ज़ियारत का नसीब फरमाएँ। और आज इस वक्त हम यहाँ वसन कैंप में जो आर्मी ने यहाँ की मुनक़द की है, इन्होंने भी हमारे साथ बड़े अच्छी तरीके से पेश आए और इन्होंने हमारे सभी हाजी साहिबान का शुक्रिया अदा किया कि और इनको भी यही उम्मीद थी कि हाजी साहिबान हैं मैं और हर किसी मुल्क के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी अच्छी दुआ गो हो। और इनको भी हमने यही दुआ की कि अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को वहाँ पहुँचाए और हमारे मुल्क को अच्छी तरीके से दिन गुजारने की सआदत फरमाए। ये सफ़र सबसे अच्छा सफ़र है इंसान एक मुसलमान की ज़िंदगी में, जो इस जगह पर जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे अच्छा घर बनाया हो उसका तवाफ करना और उसमें सबसे आला इंसान की जो दुनिया और आखिरत के लिए सबसे आला है उसके रोजे पाक की। आज जो प्रोग्राम था ये यहाँ का जो आर्मी न्यूट ने मुनक्किद किया था, इसमें सभी लोग आए, सभी ने अच्छी तरह से सभी के साथ अच्छे तरह से बातचीत हुई, सबके साथ गले मिल गए और सबसे अच्छा रहा।